अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। यूपी दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रहेंगे आगरा और बरेली क्षेत्र का दौरा करेंगे। आगरा में पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे, बरेली में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे जेपी नड्डा। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार और ज्यादा तेज हो रहा है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा में रावली महादेव मंदिर में पूजा और पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे और इसके बाद शाम को बरेली में डोर टू डोर कैंपेन का भी प्लान है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के चुनाव प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी की ये रथ यूपी की 403 विधानसभा सीटों में पहुंचेंगे और इसके लिए योगी सरकार अपने 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड इन रथों की स्क्रीन पर दिखाएगी। और साथ और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं, सादिक नावेद है बरेली से, तो वहीं कपिल अग्रवाल जुड़ गए हैं आगरा से। सबसे पहले सादिक आपका रुख करूंगी कि बरेली में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा रहने वाला है और कई सारी बैठकें भी होंगी इस दौरान, क्या कुछ उनका शेड्यूल रहेगा और क्या कुछ खास देखने को मिलेगा इस दौरान? बताना चाहूंगा कि बरेली में 2:30 बजे जो है जेपी नड्डा जी यहाँ पर पहुंचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उसके बाद वह जो है IMA हॉल में पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद मीटिंग करने के बाद उनका प्रोग्राम है जो डोर टू डोर लोगों को कैंपेन करना और चुनाव आयोग के दिए गए टाइम पर उन चीजों को खत्म करना। तो कह सकते हैं कि 2:30 बजे वो यहाँ पर आएंगे, उसके बाद पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करने के बाद ये चीज करेंगे। ठीक है, आप बने रहिएगा। कपिल आपका रुख करूंगी, आज उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है क्योंकि हमने देखा कि चुनाव आयोग की घोषणा के बाद में जो सियासत थी और जो चुनाव प्रचार था वो एक तरह से थम सा गया था। आज 2 कार्यक्रम होने हैं और दोनों ही बेहद खास होने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रथों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, आपके पास क्या ज्यादा जानकारी? मैं आपको बता दूं कि आज जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो आज आगरा पहुंचेंगे। आगरा जो होटल रमाड़ा है वहां वो फतेहाबाद जो हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है उससे होते हुए उतरेंगे, जिसके बाद वो सीधे आगरा, पहले जो मंदिर मन को जाना था वो रावली मंदिर जाना था लेकिन उसको बदलकर जो है वो राजेश्वर मंदिर कर दिया गया है क्योंकि आगरा में जो चारों महादेव जो चारों कोनों पर स्थित है सबसे पहली जो पूजा अर्चना की जाती है चारों सावन के सोमवार जो होते हैं सबसे पहला जो सोमवार होता है वो राजेश्वर मंदिर का होता है, इसलिए इसको अहम मानते हुए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा है वो सबसे पहले राजेश्वर मंदिर पहुंचेंगे। वहां पूजा अर्चना करने के बाद जो आगरा में होटल रमाड़ा है जो 5-स्टार होटल बना हुआ है उसमें जाके जो आगरा की लगभग 20 विधानसभाओं के साथ साथ जो बरेली की जो फिरोजाबाद अलीगढ़ और अन्य जो विधानसभा है यानी तकरीबन 40 विधानसभाओं को लेकर वो आज बैठक करेंगे। अलग अलग ये बैठक होंगी और जो पदाधिकारी है उनके साथ इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो इन 40 विधानसभा जो सीट है इन पर जीत हासिल की जाए। अपने पदाधिकारियों को वो टिप्स भी देंगे कि आखिर कौन से ऐसे कमजोर हमारे पहलू रहे या किन पर हम ज्यादा बेहतर काम और कर सकते हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी और काफी अहम बैठक ये जो है पार्टी की ओर से मानी जा रही है और लगता है कि कहीं ना कहीं जेपी नड्डा जो है किस तरह की रणनीति अब बनाएंगे वो चुनावों में हम सब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है कपिल, जो 40 सीटों की आपने यहाँ पर बात कही है वो कौन सी सीटें हैं जहाँ पर आज बैठक होने वाली है जिनके पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे और इसके पीछे का क्या कुछ उद्देश्य माना जा रहा है, क्या वहाँ पर उत्तर प्रदेश बीजेपी की क्या जो ताकत है वो कमजोर पड़ती हुई देखी जा रही है जिसके चलते पदाधिकारियों के साथ में ये बैठक हो रही है? अमनदीप मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बिल्कुल अलग एक नया एक्सपीरियंस होगा क्योंकि अब तक जो लोगों ने चुनाव देखा था वो बड़ी बड़ी रैलियां और बड़े बड़े जो प्रचार सामग्रियां जो चला करती थी इस बार कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है।
तो कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियां हैं, भाजपा ही नहीं अन्य जो पार्टियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आशंकित जरूर है कि इस बार का जो चुनाव प्रचार होगा कैसे वो लोगों के बीच में जाएंगे, कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। तो ये उनके लिए एक बड़ा टास्क है, इसी को पूरा करने के लिए आज जेपी नड्डा आगरा आ रहे हैं। अगर सीटों की बात करूं तो मैं आगरा की 9 विधानसभाओं के साथ जो मथुरा है, फिरोजाबाद है या आसपास के जितने जो जिले हैं, उन तमाम सीटों पर जो है आज मंथन किया जाएगा। काफी देर तक जो दो चरणों में जो है ये बैठक की जाएगी और इस बैठक में कार्यकर्ता जो है जब लोगों के पास जब जाएंगे तो किस तरह से सरकार की योजनाओं का या जो भी योजनाएं सरकार ने जो लागू की थी, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार की हो, उनको कितने लोगों को लाभ मिला और कितने लोग वंचित रह गए, तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर कार्यकर्ता तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि कैसे वो जो भाजपा का जो वोटर है, भाजपा के साथ साथ जो अन्य पार्टियों के जो वोटर है, उनको कन्विंस किया जाए भाजपा की ओर आने के लिए। जी हम तो तमाम राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय देखी जा रही है। सादिक, आपका रुख करूंगी, आप बताइए कि चुनाव प्रचार को लेकर काफी ज्यादा जोर आजमाइश देखी जा रही है, हालांकि बीजेपी काफी ज्यादा सक्रिय है। अब जब जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे तो क्या कोई विशेष वर्चुअली कार्यक्रम भी होने वाले हैं प्रचार प्रसार को लेकर? जी आपको बता दूं, इससे पहले अमित शाह जी यहां पर आए थे और अमित शाह जी ने चंद व्यक्त यात्रा निकाली थी। अब जो है जेपी नड्डा जी का आना, तो जो विधानसभा सीट है हमारी, 9 विधानसभा सीट है, उनमें से 2 विधानसभा सीट में जो यहाँ विधायक मौजूदा विधायक रहे हैं और कई बार जीत चुके हैं, उनका टिकट नहीं दिया गया है। तो हो सकता है कि जो लोगों का गुस्सा था, लोगों की नाराजगी थी, तो उसको लुभाने के लिए यहाँ पर जेपी नड्डा जी यहाँ पर आ सकते हैं और वहाँ के पदाधिकारियों से बात कर सकते हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उन्हें भी समझा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा अहम उनका रोल रहेगा यहाँ बरेली। सारे ये बताइए कि डोर टू डोर कैंपेन करेंगे जेपी नड्डा, एक बड़े नेता है, चुनाव आयोग इससे पहले ही साफ कर चुका है कि अगर डोर टू डोर कैंपेन किया जाता है तो 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, तो ऐसे में कैसे डोर टू डोर प्रचार किया जाएगा? देखिए, बताना चाहूंगा कि अभी उनका जो डोर टू डोर प्लान है, प्लान को कहा गया, लेकिन इससे पहले जो मीटिंग है उसको महत्वपूर्ण दिया गया है। मीटिंग में जो अधिकारी होंगे और जो उनके पदाधिकारी हैं और जो आपके कार्यकर्ता हैं वो रहेंगे, उसके बाद वो डोर टू डोर जाने का कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए और चुनाव आयोग की गाइडलाइन को देखते हुए इस चीज को फैसला लिया जाएगा, अभी प्रशासन ने ये क्लियर नहीं किया। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।